हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिंग को बड़ा करने के लिए, यानी जो पुरुषों का प्राइवेट पार्ट होता है उसको बड़ा करने के दो तरीकों के बारे में। वैसे तो बहुत सारे तरीके लोग ट्राई करते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे यूज़ करते हैं तो कुछ सर्जरी तक करा लेते हैं, लेकिन सर्जरी एक बेस्ट तरीका नहीं है। मैं आपको बता दूँ, इससे अगर ये फेल हो जाए तो काफ़ी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सिर्फ दो तरीकों के बारे में, एक इंस्टेंटली और एक नेचुरली। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्राइवेट पार्ट बिना कोई दवाई खाए, बिना कुछ लगाए, बिना किसी दर्द के, मतलब कोई जलन ना हो, कोई इचिंग ना हो, कोई रैशेज, कुछ कुछ भी नहीं हो, और आपको कुछ खाना ना पड़े, आप किसी भी तरीके के नुकसान से दूर रहें और आपका प्राइवेट पार्ट का साइज़ भी बढ़ जाए, तो क्या करें? तो इसके लिए एक ही तरीका है, एकमात्र ऐसा तरीका सिर्फ़ और सिर्फ सिलिकॉन कंडोम ही है, जो कि आपके प्राइवेट पार्ट के साइज़ को जितना आप चाहें, जितना आपने इमेजिन किया हो, सोचा है कि इतना आपको चाहिए, उतना ही बड़ा कर देता है। यस गाइस, तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सिलिकॉन स्लीव्स की। सिलिकॉन जो कि एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको अगर आप ऐसे छूते हैं तो ये रियल स्किन की तरह लगता है। साथ ही साथ इसके जो कंडोम्स आते हैं, ये कंडोम्स भी बिल्कुल लिंग की शेप जैसे आते हैं, लिंग जैसे आते हैं। इनका डिज़ाइन, इन पर जो काम किया गया है, जो इन पर डिटेल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसी की गई है जैसे कि रियल अंग ही हो। तो इसको पहनने से क्या होता है कि आपके प्राइवेट पार्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है 2 से 3 इंच, 3 से 4 इंच तक, 5 इंच तक भी आप कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग साइज़ मिल जाते हैं, अलग अलग साइज़ अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ से आप देखेंगे कि आगे वाला जो पार्ट है ये 2.5 से 3 इंच तक सॉलिड है, तो यानी 2.5 से 3 इंच तक आपका प्राइवेट पार्ट इंक्रीज़ हो जाएगा इस कंडोम को पहनने से। सेकेंड, ये देख सकते हैं ये सिर्फ 1.5 इंच तक ही है, यानी इसमें अगर आप 1.5 इंच तक चाहते हैं तो आप ये ट्राई करें। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ चाहिए, एकदम परफेक्ट, जो कि आपकी ढीलेपन में भी हेल्प करे, यानी अगर आपको थोड़ी बहुत इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, लूजनेस की प्रॉब्लम है, उसमें भी वो आपको सपोर्ट करे, साथ ही साथ मोटाई प्लस आपकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाए, ऐसा क्या करें, तो उसके लिए आप बिल्कुल सबसे हाई क्वालिटी का बेल्ट कंडोम यूज़ करें। ये एक प्रीमियम सिलिकॉन बेल्ट कंडोम है, इसमें एक बेल्ट लगा हुआ मिलता है जिसको आप कमर पे बांध सकते हैं, और इसके अलावा टेस्टिकल के लिए भी यहाँ पर आपको एक बड़ा सा होल मिलता है जिसमें आप अपने टेस्टिकल को निकालेंगे। यहाँ से आपको अपने प्राइवेट पार्ट को एंटर कराना होता है, और ये देखिए इतना बड़ा साइज़ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी आपको जो है रिज़ल्ट मिलेगा, मतलब हैवी आपके लिंग का साइज़ हो जाएगा, मोटाई में भी और लंबाई में भी। तो ये तो थी इंस्टेंट तरीके से प्राइवेट पार्ट को बड़ा करने की बात। अब बात आती है नेचुरली, नेचुरली कैसे करें। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर करना चाहूँगी कि इससे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी रिज़ल्ट आपको मिल भी सकते हैं, मिलने के चांसेस भी हैं और नहीं भी हैं। ये बिल्कुल मैं फाइनली क्लियर नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी आपको कोई यहाँ पर श्योरिटी नहीं दे रही हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो वाकई आपका प्राइवेट पार्ट बड़ा हो जाएगा। नो, हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को इसके रिजल्ट्स मिले हैं और कुछ को नहीं मिले हैं, तो इसलिए ये आप इसको 50-50 मान के चले। ये एक पंप है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक पंप है, यानी इसको आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली आप इसको प्रेस करेंगे जो इसमें बटन है और ये ऑन हो जाता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे लाइट ऑन हो गई, इसमें जो है आपको लेवल दिए गए हैं, मतलब आप इसको कितना रखना चाहते हैं, थोड़ा फास्ट, थोड़ा और फास्ट, या फिर कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करना है, यहाँ से आप अपने प्राइवेट पार्ट को ऐसे एंटर करेंगे कोई भी ऑयल लगा के, और देखिए जब आप इसको फास्ट करेंगे ये खुद इसमें जो है आपका प्राइवेट पार्ट चला जाएगा। यहाँ पर मैं ये वाला आपको ट्राई करके दिखाती हूँ, ये देखिए पहले इसको इस तरह से लगाना है और इसके इसको बढ़ाते जाना है। अब आप देखेंगे मैं कुछ नहीं करूँगी, ये खुद ही इसके अंदर अपने आप ही प्रेशर चलेगा और ये अंदर जाने लगेगा। मतलब इस पर आपको पहले लुब्रिकेंट लगाना होगा, आई नो ये अभी ड्राई है तो इस तरह से नहीं होगा, आपको अपना प्राइवेट पार्ट के ऊपर थोड़ा सा लुब्रिकेंट लगाना है तभी ये वर्क करेगा। और इसी से आप जो है इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें ज़्यादा आपको हाथों का इस्तेमाल भी नहीं करना है। तो पंप का इस्तेमाल करने से होगा क्या, सबसे पहले तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट पर अच्छे से लुब्रिकेंट लगा लेना है कोई भी। उसके बाद आप जब इस पंप को यूज़ करेंगे, एक बार में दो बार यूज़ करें, इससे ज़्यादा नहीं, ये काफ़ी होता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, और जब आपके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन ना हो तभी इसको यूज़ करना है।
ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपके जो प्राइवेट पार्ट होता है उसकी जो मसल्स होती हैं वो खुलने लगती है, मतलब धीरे धीरे उसकी एक्सरसाइज होगी, ब्लड का फ्लो फास्ट होगा जिससे लेंथ बढ़ने के चांसेस होते हैं। यस गाइस, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी तरीके का आप टाइमिंग वेस्ट नहीं करना चाहते, आपको डर लगता है किसी भी चीज़ को ट्राई करने से, तो आप जो है इंस्टेंट जो मैंने आपको तरीका बताया जैसे कि सिलिकॉन स्लीव्स का, ये ट्राई करें। ये एक बेस्ट तरीका है जो कि आपके प्राइवेट पार्ट की लेंथ इंक्रीज़ करेगा और टाइमिंग भी बढ़ाएगा और ढीलेपन में भी आपकी हेल्प करेगा। सो आज के लिए इतना ही। आई जस्ट होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।